नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और हमारे महेश मावसनी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह का 7 और आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज जनवरी 1 तारीख 2023 और आप सभी को हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो नया साल है आप सभी के लिए ढेर सारा खुशियाँ लेके आए तो ही दुआ करते हैं दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग घर में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे और अभी चिकन कुन लेके आएंगे, फिर घर में पार्टी शार्टी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग में बने रहे और देखते हैं आज हम लोग का यहाँ क्या क्या होने वाला है। भूतनी कहाँ गया हम लोग का? अंकित, अंकित भी है तो हैप्पी न्यू ईयर का। तो ठीक है आज किसका स्वेटर पहना हुआ देखो मेरा। तो दोस्तों लाने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं। तो दोस्तों कल जो रात में हम दुकान गए थे तो दुकान जाने के बाद में जो साइकिल है उसको हम वहीं पे छोड़ दिया, हम भूल गए वहाँ पे। तो अभी सुबह फिलहाल लाने जाएंगे क्योंकि एक भैया आए थे तो बताए कि साइकिल वहाँ पे छोड़ के आया है तो जाके ले आओ बोल। और दोस्तों ये रोते रोते मेरा पीछे पीछे आ रहा है अंकित, तो हम बोल रहे हैं कि मत जाओ, चलो आगे कर, चलो के आएंगे बोल के बोल रहे हैं तो रो रहा है। दोस्तों ये जो मेरा साइकिल है दुकान का जो बरंडा है वहीं पे रखा हुआ था रात भर, अच्छा हुआ चलो कोई लिया नहीं। तो कल रात भर तो आदमी सब घूम ही रहा था 12 बजे तक, तो इसलिए शायद कोई लिया नहीं, बाहर में रखा हुआ था। काकू हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर नाना, अरे हैप्पी न्यू ईयर को नानी के, हैप्पी न्यू ईयर को, हैप्पी न्यू ईयर वो। तो दोस्तों अभी साइकिल को लेके हम लोग पहुंच चुके हैं घर और इधर में ढोल लोग भी है। बैठ हेलो हैप्पी न्यू ईयर बे। भाग भाग भाग, साइकिल ब्रेक नहीं ना, भाग भाग भाग। हैप्पी है कौन? हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों घर के अंदर में मेरा मिसेस आज बनाई हुए है इडली। कहाँ कहाँ बनाई है इडली? इडली बनाई हुए दोस्तों कहाँ पे? अरे तो देख सकते हैं दोस्तों ये है देसी इडली, कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। जो दाल था उसको मतलब उसका जो इडली है इडली, अरे बाप रे सुबह सुबह मिल गया टकलू को खाने के लिए। कैसा लग रहा है अंकित? अच्छा लग रहा है? कैसे लग रहा है पता नहीं है, जो दाल था ना दाल को साफ नहीं किया हुआ था तो इसके लिए थोड़ा शायद कलर में डिफरेंस आ रहा है, तो दाल को साफ करना चाहिए था सफेद पूरा। अरे सफेद नहीं, वो वाला दाल ही थोड़ा। अच्छा मूंग का दाल तो जो था ना वो ग्रीन ग्रीन था तो चक्कर में, तो फिलहाल खाए नहीं है, खा के देखेंगे कैसा लगेगा। चलो चलो निकलो अभी, मैं तो चिकन लाने जाएंगे, पैसे दो प्राइस का झाड़ू लगा देते हैं। चलो झाड़ू लगा के पैसा लेके आओ। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम जाएंगे चिकन लाने क्योंकि सुबह सुबह नहीं जाएंगे तो ख़त्म भी हो सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले जाके लेके आएंगे वही ठीक रहेगा। फिर अभी लाएंगे, फिर कुछ देर में उसको भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में अगर लेट करेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से चिकन लाने और मिसो जो है पैसा दी है 500 रुपीज, तो देखते हैं कितना होगा, जो भी होगा लेके आएंगे। जाएगा कि नहीं जाएगा बता तो, जाएगा कि नहीं? चुप चुप, जा पैंट पहन के ना जा, पैंट भी पहना है कि नहीं पहना है? तो चल दो तो फटाफट जाके आते हैं और घर में फिर रोटी भी बनाना है, रोटी पीठा करना है तो सारा आज करेंगे। तो फिलहाल ब्लॉग में बने रहे, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं चिकन लाने, उसके बाद चिकन लेके आते हैं। ये खींच रहा है भाई, अभी हम निकल चुके हैं चिकन लाने के लिए, फिर देख सकते हैं ठंड तो बहुत ज्यादा लग रहा निकला। 2 किलो लगभग में होई नी होई नी कैसा निकला? कार पर किलो है
हालत दो ही खिला दे। एक किलो ले और दोस्तों चिकन दुकान के सामने जो है मटन यहाँ पे बिक रहा है। मटन पर केजी 700 रुपया, तो फिलहाल हम तो 500 रुपया पकड़ के आए हुए थे, तो क्या मटन लेके जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है चिकन ही लेके जाएंगे, चिकन के लिए हो जाएगा। हम लोग 2 किलो लेंगे तो पूरा फैमिली खाएंगे 2 किलो चिकन, वो भी 300 रुपया का, पर केजी 150 रुपया है यहाँ पे। तो चल दोस्तों अभी लेके निकलते हैं घर, और घर में जाके इसको बनाना भी है। चल मुंशी मर हो गया, तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और हम लोग का घर में बहुत आदमी सब आए हुए हैं, तो ग्रुप वाला आदमी सब फिलहाल वो लोग का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग चिकन लेके आ चुके हैं, और फिर हाथ पैर थोड़ा धो लेते हैं, चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद में चिकन को बनाएंगे। और आज घर में बहुत सारा मेहमान आए हुए हैं तो चलिए फटाफट से हम धो लेते हैं हाथ पैर, और थोड़ा ब्रश भी कर लेते हैं, क्योंकि इडली बनाया हुआ है। इडली थोड़ा देखेंगे कैसे बनाया हुआ है, पहली बार बनाया हुआ है मिसेस, अब कैसा लगेगा देख सकते हैं दोस्तों। पूरा साल भर का लुगा सब को लेके आई है, आज लग रहा है हमको भी धोना पड़ेगा। धोना पड़ेगा ना, आप धोना, नया साल का दिन कपड़ा धोएगी तो क्या होगा, कपड़ा है ना धोने से आ रहा है। इडली बनाया हुआ है, इडली कैसी लगी, चटनी ये धनिया पत्ता का चटनी है, और आंदू का चाय बहुत टेस्टी है दोस्तों। इडली भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये जो चटनी है वो भी बहुत मज़ेदार लग रहा है, अभी मतलब बहुत टेस्ट। तो दोस्तों हम लोग का चाय और इडली ख़त्म हो चुका है, चटनी भी बहुत अच्छा लगा, और इधर में देख सकते हैं दोस्तों पानी गर्म किया हुआ है, पानी भी गर्म हो चुके हैं शायद, हाँ पूरा गर्म हो चुके हैं पानी। फिलहाल चिकन को लेके आते हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये जो चिकन है इसका पर सबको अभी निकालेंगे, इसको गर्म पानी में डालेंगे तो इसका जो पर है ना सफ़ेद पर सब निकल जाएगा। तो दोस्तों चिकन का जो है छिलका उतार लिए हैं, अभी अभी इसको धोएंगे इधर में पानी में इधर। और दोस्तों इधर में लकड़ी अंदर घुसा रही है, अभी मसाला दे के बनाएंगे बढ़िया से। यह है हम लोग का चिकन का मसाला बनेगा यहाँ पे, और ये बावड़ी जो है सुबह सुबह ये सबको बना रही है, और इसमें ना और थोड़ा प्याज काटो, हाँ तो और काटो ना, और थोड़ा प्याज काटो, और ये अदरक कहाँ अच्छा। अंकिता क्या बना रही है आज, पूरी पूरी, हाँ चिकन के साथ खाएंगे ना पूरी, तो भी देना पूरी बाबू, पापा बनाऊछी बोल रहा है जी, अखन मोर बाबा के आ गुड मॉर्निंग कहबी, ए बाबू क्या बना रहा है, क्या बना रहा है पूरी। तो दोस्तों फिलहाल अभी थोड़ा दुकान जाएंगे, क्योंकि दुकान से आटा लाएंगे, आटा लाने के लिए भूल गए थे, पूरी करेंगे। रख लो दो हमको और एक बार खाएंगे देख। काटा दस फोर मार के दे दो, अरे दे उधर तू कुल बाबा कर दबो। तो दोस्तों हम लोग का पूरा मसाला जो है बाट के रेडी कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्याज, और इधर में है अदरक लहसुन, और ये है हल्दी, और इधर में
मिर्ची और रसून, नहीं वो शायद अदरक ही है, ये अदरक ये रसून है और मिर्ची। और इधर में चिकन भी कट के रेडी हो चुका है। फिलहाल हम लोग का कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। आज पूरा मस्त खाएंगे एकदम, आज पूरी भी बनाएंगे। अभी फिलहाल चिकन होगा ना, चिकन होने के बाद में पूरी भी करेंगे और मजे से खाएंगे चिकन के साथ। और इधर में तेल आप देख सकते हैं, हो जाएगा तेल, ज्यादा तो नहीं, ठीक है ठीक है। तेल विशेष तो नहा के रेडी हो गई, पूजा भी कर ली। और अभी हम लोग का अंकिता जो है पूजा करेगी, तो अभी नहाई नहीं ना है, तो काहे छुराई सबको, नहाएगी तो काहे छुएगा, चल साइड हो जाएगा। हां तो हम तो छुए हैं नहीं। हां ये सबको मत छूना, तो जाओ नहा ना जाओ। चिकन धो ले। कौन धो रहा है? जितने का तो पूजा। पांदर में नहा ना जाओ। ओके। कहना के नहीं मिलसे। पकड़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी पकड़ेंगे तो बच्चा सब भी खेलता है, उसको कब पकड़ देंगे। डालो और डाल। हाँ हो गया। नमक, नमक दो थोड़ा। तो दोस्तों अभी अंकिता लोग जो है पूड़ी बनाए हैं, तो अभी ला दी है, तो अभी इसको हम चटनी के साथ खाएंगे पूड़ी, क्योंकि अभी तो हम लोग का सब्जी उब्जी कुछ रेडी हुआ नहीं है, तो फिलहाल इसको चटनी के साथ खाएंगे। इसमें ये कर दो ना चटनी के साथ। हाँ तो थोड़ा देना, थोड़ा सा देख चारों तरफ रगड़ दे, जैसे बटर लगाते हैं ना वैसे। हाँ वाह, हमको तो देख के पूरा मुंह में पानी आ गया। और थोड़ा साइड में लगा, साइड का थोड़ा बोलने से ज्यादा काहे लगाती है, और तीखा भी है बाद में। और ऐसे से कर ले, हां रगड़ दो उसको, रोल जैसे ना, देखो उधर ये कुछ नहीं हुआ है, अभी टाइम है इसको। दोस्तों पूरी को चटनी के साथ खाइए, बहुत मजा आता है। हम लोग कभी बनाए नहीं, और ये चटनी जो है बहुत ही तीखा है, जो आँख से पूरा पानी निकल गया, इतना तीखा है, लेकिन मज़ा आता है। अभी ये टमाटर को ये काटे नहीं है, और काट देंगे, और इसको ग्राइंडिंग कर देना ना, थोड़ा ग्राइंडिंग करके देने से मस्त लगता है। फटाफट से काटो टमाटर। और इधर में ये भी हो चुका है हम लोग का मसाला, जो कि मसाला से जो है, हाँ नहीं बाद में, तो देख सकते हैं दोस्तों ये मसाला जो है, मसाला से जो है पानी बोल रहे, तेल अभी छूट रहा है, तो अभी हम लोग का मसाला जो है पूरा बन के रेडी हो चुका है, सीख गया पूरा। तो अभी देंगे चिकन, कोई कोई दोस्तों चिकन को जो है फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन हम लोग फ्राई नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। फ्राई करने से जो चिकन रहता है वो मतलब मेल्ट नहीं होता है, और इसमें थोड़ा मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो इसका सूप रहता है, झोर रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको फ्राई करते नहीं हैं। हम लोग सूप के साथ खाना मतलब भात खाते हैं, तो इसीलिए। अभी इसको ढक देंगे, इतना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, इतना में बहुत ज़्यादा है। अभी भी
खराब में है और हम लोग यहाँ पे कलर नहीं देते हैं, कलर तो बेकार लगता है थोड़ा, इसलिए हम लोग कलर देते नहीं हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रखे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको अभी फ्राई करेंगे और थोड़ा पकौड़ा बनाएंगे, चिकन पकौड़ा, तो उसके लिए हम इसको रखे हुए हैं। अब जब ये रेडी हो जाएगा तो चिकन पकौड़ा करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये है पालक का साग और अभी इसको सिझाया जाएगा, पालक का साग को, क्योंकि अभी बनेगा हम लोग का, क्या बनेगा बता दीजिए? पूरी बनेगा। कैसे बनाएंगे? इसको सिझा के सिझा लेंगे, उसके बाद ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करके इसे पेस्ट को इसके साथ मिला देंगे इसमें। हाँ अच्छा, पूरा मिल जाएगा ना इसके साथ। अरे इसका डेटी सब वो काहे नहीं मिला रहा है, तब नहीं मिलाते हैं? नहीं पता, सब हम नहीं जानते हैं कि पालक साग को कैसे रांधा जाता है। देखे थे इसे बनाते हैं बोल के, इसलिए हम भी आज साग भी है ना बनाएंगे सोच रहे हैं। आज नया साल है ना, जो मन करेगा उसको बनाएंगे और खाएंगे और क्या। तो चलिए देखते हैं अब मिसेस ये जो डिश है वो बनाने में सक्सेस होती है या फेल मरती है। हाँ तो बना के खाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। खिलाएगी तो सबको तो ट्राई करना चाहिए। हम तो जो खिलाएंगे वही खाएंगे और क्या है, तो ट्राई करना चाहिए। फटाफट से करो, अभी फिलहाल हम लोग का चिकन जो है वो ये भी रेडी हो जाएगा। इसमें टमाटर दिया हुआ नहीं है और दे एक टुकड़ा गिर गया, इसको दे देते हैं आग में। यहाँ पे दोस्तों जो टमाटर है उसको ग्राइंडिंग किया हुआ है। टमाटर का कलर कैसे है देख रहा, अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों अभी हम लोग का चिकन जो है पूरा रेडी हो चुका है, इसको उतार देंगे तो थोड़ा पानी भी यहाँ से घटेगा। तो दोस्तों चिकन में थोड़ा अभी हम दे देंगे ये धनिया का पत्ता, थोड़ा स्मेल बढ़िया आएगा। तो धनिया को पत्ता को दे के एक बार इसको चला देंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चला देंगे। कहाँ इसका ढक्कन, कहाँ डाल दो ढक्कन, छोड़ दो। और अभी इधर में चढ़ाया हुआ है पालक का साग, तब तक नहा लेंगे ना, और साग सब सीजेगा तब तक तो नहा चुके। हाँ हम नहा लेंगे तब तक, जाइए। और दोस्तों इधर में जो पालक का साग है उसको सिझाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पालक का साग आज पूरी बनाएंगे। ये आटा यहाँ पे रखा हुआ है, जब वो सीज जाएगा तो उसको ग्राइंडिंग करके आटा और पानी जो रहेगा उसको यहाँ पे डाला जाएगा।